So, good evening once again. My name is Satvik Lodha and my NEET rank was AIA 20 and AIMS rank was AIA 99. So, today basically, jab NEET itna pass aaye gaya hai aap logon ka, so basically I want to talk about how to remove stress, negativity and how to keep going, how to maintain that flow. So, basically, इस टाइम तक आते आते सबका एक फेज आता है, मेरा भी आया था कि लाइक अब हो गया, मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब मुझे और मन नहीं करता पढ़ने का. तो लाइक वो फेज आता है सबके साथ एंड सबसे बड़ी गलती तो उसी फेज में कर देते हैं कि पढ़ना ही बंद कर देते हैं बिल्कुल. जो पॉइंट इज ना, आप अपना फ्लो मेंटेन करके रखिएगा नीट के लिए. लाइक नीट अगर मान लीजिए, जैसे हमारे टाइम पे 2 से 5 हुआ था नीट, तो हर दिन 2 से 5 आप अपना खुद का टेस्ट दे दीजिए. अगर कोचिंग का टेस्ट नहीं है तो आप खुद से टेस्ट दे दीजिए. 2 से 5 आप बैठ जाइए, खुद से टेस्ट पेपर कोई से उठा लीजिए एंड टेस्ट देना चालू कर दीजिए. 3 घंटा आप अपने माइंड में रखिए कि मेरे को, मतलब इस 3 घंटा मेरा माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा. तो लाइक अगर आपको कुछ पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा, देन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस. आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यू विल गेट समथिंग कि यार मेरा ये टॉपिक छूट गया, मेरे को उसको पढ़ना है. तो टॉपिक से मैं एक बात आपको बता दूं, अभी इस टाइम पे एग्जाम से काफी चल रहे लोगों के, और लोग जनरली क्या करते हैं, मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ लेता हूँ एंड इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा. आई वांट टू से कि आप सोचिए आप क्यों कर रहे हैं. आपको नीट पास करना है ना, आपको एग्जाम पास नहीं करना. नीट पास करने के लिए द बेस्ट थिंग टू डू इज यू प्रिपेयर योर टॉपिक्स. आप एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स का, ठीक है. उसमें कॉलम इज माई टॉपिक कंप्लीट, मैंने उसका कितनी बार रिविजन किया है एंड कितने क्वेश्चन गलत होते हैं मेरे उस टॉपिक में जनरली. तो इफ यू मेंटेन द लिस्ट कि मेरे कौन कौन से टॉपिक्स मेरे कंट्रोल में है, तो एज सून एज यू कीप ऑन एलिमिनेटिंग द टॉपिक्स, वो जो स्ट्रेस फैक्टर होता है ना एग्जाम का, वो अपने आप ड्रॉप करेगा. लाइक लोग बोलते हैं स्ट्रेस रिमूव करने के लिए आप कुछ भी करो, बाहर घूम लो एंड सब कुछ कर लो, बट 11th 12th के टाइम पे अगर आपको स्ट्रेस रिमूव करना है ना, तो वैसे तो कहने बड़ा अजीब लगता है बट स्ट्रेस रिमूव करने का सबसे तरीका यही है कि आप पढ़ाई कर लो, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो एंड नॉट अंधाधुन पढ़ाई करो, स्मार्ट वर्क कीजिए. स्मार्ट वर्क लाइक टॉपिक्स कंप्लीट कीजिए. टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे आपको एक फीलिंग अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक कंप्लीट है, इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा एंड वो बहुत ज्यादा फाइनल लगता है. लाइक एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि लाइक हाँ मैं जिस कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने जा रहा हूँ एंड वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपका वो जो हैबिट है 2 से 5 वाला, लाइक मेरे टाइम पे 2 से 5 था, तो वो हैबिट आप मेंटेन रखेंगे ना, आपको एग्जाम में ऑटोमेटिकली नीट के दिन लगेगा ही नहीं कि मैं नीट देने जा रहा हूँ, लगेगा कि मैं कोई नॉर्मल, हाँ मेरा तो रोज का काम है, मैं तो हर दिन ही करता हूँ. तो मेरे साथ भी यही हुआ था एग्जाम में, आई वॉज सो रिलैक्स्ड, बहुत ज्यादा रिलैक्स था कि हाँ मैं तो हर दिन ये करता हूँ, मेरे लिए कौन सी नई बात है. एंड बाकी बच्चे काफी ज्यादा टेंस को लेकर कि नीट आ रहा है, नीट आ रहा है, नीट आ रहा है, हर दिन ही नीट था, तो लगा ही नहीं कि नीट हो भी गया. एंड नीट एग्जाम की बात है तो नीट से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा जो आप नीट के पहले कर सकते हो. लाइक नीट के 2-3 दिन पहले आप प्रेफरेबली पढ़ाई करना कम कर देना, सिर्फ टेस्ट दे दो आप 2 से 5, वो तो आपको देना ही है, बाकी आप थोड़ा सा पढ़ाई करना कम कर सकते हैं एंड थोड़ा माइंड को रिलैक्स कीजिए. लाइक होता है ना क्रिकेट मैच के पहले क्रिकेटर्स क्रिकेट नहीं खेलते, फुटबॉल खेलते हैं लाइक माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा, तो वो होता है. आप गाना सुनिए कुछ नीट के, ये 2-3 दिन पहले करने के लिए बोल रहा हूँ, 3-4 महीने पहले करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 दिन पहले कीजिएगा कि लाइक थोड़ा आपका माइंड रिलैक्स रहे, आप एकदम गुड मूड में जाए, एक्सरसाइज करके जाइएगा, लाइक अच्छे से जाइएगा नीट का एग्जाम देने के लिए एकदम कूल माइंड के साथ, कूल काम कंपोज. बहुत बच्चों के साथ पता है क्या होता है, एग्जाम में आता सब कुछ है बट एग्जाम का प्रेशर जो होता है ना वही खा जाता है एंड उसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो आप अपना 3 घंटे का खुद का मॉक, मेरा खुद का नीट, हर दिन मेरा नीट, मैं हर दिन उसमें देखूंगा कि मेरे कितने आ रहे हैं. एंड आप अपने मार्क्स से ज्यादा परेशान नहीं होइए, ठीक, मार्क्स ऊपर नीचे होगा. लाइक मैं अपना पर्सनली बताऊं तो जब मेरे मेजर्स होते थे नीट के पहले, तो मेरे साथ हुआ था एक बार कि लाइक एक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, दूसरे टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए, तो लाइक उससे परेशान तो देखिए मैं भी हुआ, परेशान सब लोग होते हैं, बट यू डोंट नीड टू गेट दैट इन योर इनसाइड यू, लाइक बाहर निकलिए उससे,
बाहर निकलिए, आप ये सोचिए कि मेरा टॉपिक कवर हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरा टॉपिक कवर है, आई एम फाइन, मैं कर लूंगा, आप उसका टेंशन मत कीजिए. सॉरी. सो वेल, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट.